एमपी के सरकारी अस्पताल का हाल बेहाल। मरीज के बेड पर कुत्ता फरमा रहा आराम। सवालों के घेरे में स्वास्थ्य विभाग। कहते हैं एमपी गजब है, प्रदेश में कहीं अव्यवस्थाएं हैं तो कहीं इतनी व्यवस्था है कि लोगों की जगह जानवर सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली को बयां करने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जो रतलाम के सरकारी अस्पताल की बताई जा रही है। चलिए हम आपको अस्पताल का हाल बयां करने से पहले आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया पर वायरल अस्पताल की तस्वीर। तो देखा आपने, ये तस्वीर रतलाम के अलॉट अस्पताल की है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ 12 बेड वाले जनरल वार्ड में मरीजों की जगह बेड पर कुत्ता आराम फरमा रहा है। इस दौरान उसे वहां से भगाने वाला या रोक टोक करने वाला कोई भी मौजूद नहीं था। बेखबर सो रहे इस कुत्ते को देखकर यही लगता है कि इसे किसी का खौफ नहीं है। अस्पताल में मरीज के बेड पर सो रहे कुत्ते का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद इस वीडियो को कांग्रेस के नेता नरेंद्र सलूजा ने अपने ट्विटर पर शेयर करते हुए बीजेपी पर तंज कसा है। कांग्रेस ने इस वीडियो को लेकर राज्य में चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बीजेपी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही वीडियो को शेयर करते हुए नरेंद्र सलूजा ने लिखा है कि बीजेपी सरकार के तहत राज्य में कुत्तों को अच्छी नींद आ रही है, जबकि अस्पतालों में मरीजों को बिस्तर नहीं मिल पा रहा है। सलूजा ने दावा किया कि वीडियो यहां के अलॉट के एक सरकारी अस्पताल का है, लेकिन वन इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं इस मामले में जब जिम्मेदारों से बात की गई तो ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। ये पहला मौका नहीं है जब रतलाम के सरकारी अस्पताल चर्चा में रहा हो। इससे पहले भी इसी तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अलॉट के इस अस्पताल की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। 3 डॉक्टरों के भरोसे अलॉट और आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ प्राथमिक इलाज के बाद मरीजों को रेफर कर दिया जाता है। डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की कमी की वजह से ऐसे ही हालात जिले के कई सरकारी अस्पतालों के हैं, मगर व्यवस्थाएं सुधरने का नाम ही नहीं ले रही हैं। वैसे तो जिले भर में स्वच्छ भारत, स्वच्छ रतलाम और साफ सफाई का ढिंढोरा पीटा जाता है, लेकिन रतलाम के अलॉट सरकारी अस्पताल से सामने आई ये तस्वीर सिस्टम की पोल खोल रही है। वहीं इस घटना के बाद से अलॉट के सरकारी अस्पताल प्रबंधन की जमकर किरकिरी हो रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।